रीता अपने दोस्त करण के साथ मूवी देखने का प्लान बनाती है और वो दोनों मूवी देखने जाते हैं। और जब वो मूवी देखकर वापस लौट रहे होते हैं तो वो करण से कहती है, चल यार किसी होटल में बढ़िया सा खाना खाते हैं। और वो दोनों पास के ही रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहां वो दोनों ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं। वहां से वो लोग घर के लिए निकलते हैं कि रास्ते में उन्हें एक गोलगप्पे वाला दिखता है और वो दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। गोलगप्पे खाने के बाद करण कहता है, अब तो मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। और वो दोनों पास के आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं और आइसक्रीम खाते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। इतना सब कुछ खा लेने के कारण अगले दिन दोनों का पेट खराब हो जाता है और एसिडिटी होने लगती है। करण प्रीता के घर आता है और कहता है, देख तेरी वजह से मैंने कितना कुछ खा लिया और अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तब प्रीता कहती है, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुझे ही ज्यादा खाना खाने का शौक है और वैसे भी कल किसका आइसक्रीम खाने का मन था। तब करण कहता है, चल ठीक है आइसक्रीम खाने का मेरा मन था, पर ऑयली खाना किसे खाना था। तब प्रीता कहती है, अच्छा जी वो गोलगप्पे किसने खिलाए थे। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी राखी जो प्रीता की माँ होती है वो नींबू पानी लेकर आती है और दोनों को लड़ाई बंद करने को कहती है और नींबू पानी पीने को कहती है, जिसे पीने के बाद करण तो ठीक हो जाता है पर प्रीता की तबीयत ठीक नहीं होती और करण उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ उसका इलाज शुरू होता है। उसे एक वार्ड में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पहले से ही दो मरीज मौजूद थे, एक का नाम माहिरा और दूसरी का नाम सरला। प्रीता की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए करण डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। डॉक्टर ऋषभ जब प्रीता को चेक करने आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इन तीनों में से कोई एक जिंदा नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन जिंदा नहीं है? ये बताने के लिए आपके पास 10 सेकंड का वक्त है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, डॉक्टर ऋषभ समझ जाता है कि इन तीनों में से माहिरा अब जिंदा नहीं है क्योंकि उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी हैं, क्योंकि मरने के बाद इंसान का शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, केवल माहिरा की ही उंगलियां नीली पड़ी हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और किस किसने 10 सेकंड में पजल सॉल्व कर ली थी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।